ज्योतिषाश्रेयसुषुम्नां सर्वानेतानुहरतिशयने स्वात्मनि स्थापयित्वा विद्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणन् पातुरसौ नमस्तु धिया। अथर्ववेदीय भगवान जी को वैदिक नामक दिव्य प्रकरण के ऊपर विचार करते हैं। हम लोग द्वादश काल पहले प्रकरण का नाम है आगम प्रकरण। इस आगम प्रकरण में जगत की मिथ्या को श्रुति वाक्य के सहारे से समझा और यहाँ के जो मन मूल मंत्र उसके सहारे जगत में पारमार्थिक सत्य बताए। अब इसको हम युक्ति के द्वारा भी समझ सकते हैं। जगत मिथ्यात्व के पीछे युक्ति दे रहे हैं, जगत मिथ्यात्व के पीछे युक्ति का सहारे हमारे देख रहे जगत मिथ्यात्व को अनुमान के द्वारा सिद्ध करने के लिए, युक्ति के द्वारा सिद्ध करने के लिए अनुमान में जो दृष्टांत होते हैं क्या दिया, विमाता मिथ्या दृश्यत्वा स्वप्नवत, ये मुख्य अनुमान है। विवादास्पद जगत पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है क्योंकि वो दिखाई पड़ता है। ये हमारे पर एक सबसे बड़ा एक तन्मात्र संस्कार है, हमें अपने आँख से जो मैं देखा वो सत्य है ऐसा हमारी मान्यता है और शास्त्र ठीक है इसका उल्टा है। प्रमाण के द्वारा जो जाना जाता है वो विचित्र बात है, एक इतना बड़ा संस्कार को मिटाना बहुत कठिन है। वहाँ पे यहाँ पे ग्राही ग्रहण भाव होता है, दृश्य दृष्ट भाव होता है, वहाँ पे वो वस्तु मिथ्या होता है, दृश्य वर्ता मिथ्या, दृष्टा मिथ्या होता नहीं बोला, परंतु दृष्टा जिस वस्तु को देखा था वस्तु संबंधित ज्ञान ये दोनों मिथ्या, दोनों मिथ्या। और स्वप्न मिथ्या को समझाने के लिए क्या कहा था, क्योंकि उचित देश नहीं है, उचित काल में नहीं है, कोई संवादी प्रमाण नहीं है, कोई समर्थन करने वाला नहीं है, उस प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता, वो आदि अंत वाला है, वो संस्कार जन्य का हेतु दिया संस्कार है, ये स्वप्न की मिथ्यात्व और ये सारे हेतु जागृत में भी बैठ जाता है, इसलिए जागृतकालीन वस्तु भी मिथ्या है, जागृतकालीन वस्तु मिथ्या ऐसे यहाँ पर लिखा है। तो बोलते हैं कि जागृत और स्वप्न दोनों ही तुम ऐसा मान तो सारा वस्तु मिथ्या है, तो तुम गंगा जल और जो है मरुभूमि के पानी इन दोनों में भेद कैसे करो, इन दोनों में भेद कैसे करो। तब वहाँ पर शंकर इसको उत्तर बोलते हैं कि तुम्हारी दृष्टि में दोनों में बहुत अलग अलग लगता है, परंतु वेदांतिक पारमार्थिक दृष्टि से एक दोनों एक थोड़ी देर के लिए बाहर दिखाई दे रहा है, एक केवल दिमाग में ही है, इतना दिखाई तो दोनों देगा, एक दिमाग के अंदर दिखाई दे रहा है, एक दिमाग के बाहर दिखाई दे रहा है, इतना मात्र भिन्नता है, इतना मात्र भिन्नता से उसके तो सत्यत्व को बदल नहीं जाता, चाहे मरुभूमि के पानी को भी दिखाई देता है, चाहे गंगा जी के पानी को दिखाई देता है, तो दोनों ही जो है मिथ्या रूप में गिना जाए। ठीक है भाई, यदि सभी मिथ्या हो गया तो इसका जानने वाला समझने वाला अभी मिथ्या है क्या, नहीं वो मिथ्या कल्पयति आत्मन आत्मान आत्मा देव स्वमायायम है ना, एक पढ़ पारण बोलते हैं ये आत्मदेव स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी ही माया के द्वारा अपने आप को अपने में अनेक रूप में अभिन्न कर देता है। ठीक है, क्योंकि आत्मा व्यापक है, अपनी ही माया के द्वारा अपने ही माया के द्वारा अपने को अनेक भाग में विभाजन करके अपने आप उसका मजा लेता है, दूसरा कोई है नहीं। आपे कल्पयति आत्मन आत्मन आत्मदेव समायया स एव बुद्धते भेदान, वही समस्त भेद को अगर विषयता को समझते हैं इसे तो समझते हैं। इति वेदांत कहाँ पे बोला गया है, ये वेदांत निश्चय अन्नवादी सिद्धांत को लेकर का नहीं कहता, ये वेदांत निश्चय यहाँ तक हमने पढ़ लिए। ठीक है, 12 नंबर तक हो गया, अब 13 नंबर। अब वो जो कल्पना करते हैं, कल्पना का मनमर्जी करते हैं बोलते नहीं, जब तक जो कल्पना जो करते हैं वो अपना मतलब पूर्व कल्पित जो भी उसके सामने, क्योंकि कोई भी कल्पना करने के लिए कोई ना कोई आधार चलो। अब फिर मतलब क्या बोलते हैं, ये भाववाद और वस्तुवाद, भाववाद और वस्तुवाद में किसको पहले बोलोगे, कोई भावना आपका मन में पहले आएगा कि वस्तु पहले आएगा,
और वस्तु के अंदर यदि वस्तु अगर आपके वस्तु से भाव होता है तो वस्तु कहाँ से आए, उसके पहले कोई भाव, भाव से वस्तु है। ये भी वैसे ही मतलब मुर्गी और अंडा तो बीज अंकुर नहीं के तरह ऐसे ही हम समझ सकते हैं। परंतु इतना है कि वो जो सिस्टमेटिक है वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार मनमर्ज कुछ नहीं करता, जो जन्मांतरी संस्कार से जो भी ईश्वर के अंदर जो बीज रूप में बैठा हुआ है उसी को अपनी माया शक्ति से वो कल्पना करता है, इसी को मन में रखते हुए यहाँ पे उठा जाए। ये कल्पनाएं में क्या विवक्षित है, अभी एक क्रम से कि अक्रम से किस प्रकार से कल्पना करता है कौन, और जो प्रभु आत्मदेव स्वयं प्रकाश चैतन्यमय आत्मा वो कैसे कल्पना करता है, मनमर्ज जो जैसा आता है वैसे बना देता है अथवा कुछ सिस्टम भी है उसका कुछ को लेकर के यहाँ पे अग्निस्वरूप। इसलिए देखिए यहाँ पे आनंद गिरी जी ने प्रकृतायाम कल्पनायाम विवक्षितम क्रमम उपन्यस्यति, अभिष्ट जो क्रम है उसको यहाँ पे इस रूप में दिखा रहे हैं। जिसको लेकर के विचार चल रहा है प्रकृतायाम तब उसका शब्द में एक वचन है प्रकृतायाम विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसको लेकर के विचार चल रहा है जितनी कल्पना किया गया बोलता सारा मिथ्या सारा कल्पित है, तो कल्पना में उस जिस कल्पना को लेकर के यहाँ विचार चला जा रहा है उस कल्पना में भी कोई क्रम है क्या, क्या तो मन मंडी कुछ भी कल्पना कर लेती है इसके एक क्रम से बोलते हैं कल्पना के लिए क्रम होता है क्या, इसलिए हमें बोलते हैं यहाँ पे प्रकृतायाम कल्पनायाम प्रकृता कल्पना, इसका सत्य में एक वचन है प्रकृता कल्पना की कल्पना स्त्रीलिंग है, और वहाँ पे सप्ते में विवक्षितम क्रम जो अभिष्ट क्रम है उसको कहने के लिए उपन्यास से उसके अंदर रहते हैं। देखो यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी है वहाँ पे प्रकृता के ऊपर प्रकृताया मतलब आरब्ध निरूपणाया जो शुरू किया था, जिसको निरूपण करने शुरू किया था, क्या निरूपण करने शुरू किया था, युक्ति के द्वारा जगत की मिथ्या का निरूपण करना शुरू किया था, उसी को पूरा कार्य करेंगे। आरब्ध निरूपण आया जो शुरू किया था उसका निरूपण करने में, आरब्ध शुरू किया था क्या प्रतिज्ञा किया था जगत मिथ्या या युक्ति के द्वारा समझ सकते है ना, अब उसी को निरूपण करने में तब कल्पित है सारा समझ कल्पयति आत्मना आत्मनम आत्मदेव समा, ये वेदांत निश्चय है स्वयं बुद्धते वेदानिति वेदांत निश्चय। अब इस वेदांत निश्चय को किस क्रम से करते हैं, मतलब कोई व्यक्ति छत में चढ़ा हम कल्पना कर रहे हैं हम उड़ के आकर के छत में बैठ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी चढ़ सकते हैं जैसे जैसे संस्कार होगा, कोई चिड़िया के छत में बैठते हैं तो हमारे मन में वही आएगा जो हम देखा चिड़िया को उड़ के आके बैठ गए, परंतु कोई मनुष्य छत में चढ़ गया तो निश्चित आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। इसी प्रकार से कहीं क्रम कहीं अक्रम दोनों प्रकार से कल्पना कर सकते हैं, इसको लेकर के हम समझेंगे। श्लोक अनंतश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभु विकरोत्यपराभावान् नन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभु। तो वाक्य की कहते हैं प्रभु एवं कल्पयते, हाँ प्रभु एवं कल्पयते, प्रभु मतलब क्या है कि जिसका ऊपर और कोई नियामक नहीं है, जिसका निमन प्रतिष्ठ रूपेण भवति अपने 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 को अभिव्यक्त करते हैं, परंतु जिसका ऊपर और कोई नियामक नहीं है, इसको लेकर के कौन कैसे सृष्टि किया इसको लेकर के आगे कुछ श्लोक देंगे, और यहाँ पे तो बोलते हैं प्रभु मतलब जो किसी के द्वारा मतलब नियम नहीं है, जो किसी के द्वारा नियम्य जिसको नियमन किया जा सकता है जो नहीं है, ये हो गया प्रभु एवं कल्पयति। इस प्रकार से कल्पना करते हैं, इस प्रकार से कल्पना करते हैं तो बोलते हैं अपरान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान विकरोति, ठीक है ना, अपरान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान अपरान भावान विकरोति नियतांश्च अनियतांश्च बहिश्चित्ते, दो प्रकार से बोल रहे हैं श्लोक को।
कि कोई व्यक्ति किसी चीज को सृष्टि करेगा तो पहले उसका मन में होना चाहिए, कुम्हार घड़ा बनाने से पहले डोला अथवा कोई व्यक्ति कोई कपड़ा बनाने से पहले मैं किस प्रकार के कपड़ा बनाऊंगा वो पहले मन से सोचता है। इसी प्रकार से वो जो प्रभु मतलब माया उपाधि के साथ उसके अंदर जो बीज रूप में अंदर बैठा हुआ है, जो अंतस चित्ते व्यवस्थित आपके चित्त के अंदर संस्कार रूप में जो बैठा हुआ है ना, वो उसको उसी को ही अपरान भावान पर और अपर परमत का श्रेष्ठ अपर मत निकृष्ट निचल ठीक है ना, तो उससे कुछ नीचा करके कुछ घटिया रूप में बनाते हैं। इस प्रकार रज्जु जब सर्प में बदलते हैं तो रज्जु हो गया पर सर्प हो गया अपर, क्यों सर्प कुछ देर दिखाई देता है फिर नहीं दिखाई देता। फिर इसी प्रकार यहाँ पे समझिए पर कौन हो गया अधिष्ठान मैं और अपर कौन हो गया शरीर इंद्रिय मन, ये सब कल्पना करते हैं। इसमें भी दो विभाजन है, कहीं पे मानसिक है और कहीं पे बाहर भी दिखाई पड़ता है। पुत्र रूपी पिंड को उत्पन्न तो किया, पुत्र रूपी पिंड को उत्पन्न तो किया बाहर दिखाई देता है, परंतु वहाँ पे ये मेघ है पुत्र है अथवा ये अच्छा है बुरा ये भाव ये अंतर अंतर कल्पना किया अंदर कल्पना किया। इस प्रकार से और नियतान अनियतांश चकार के द्वारा कह लेंगे कुछ क्रम से कुछ अक्रम से दोनों होगा। बहिश्चित्त मतलब मन के बाहर उसका अभिव्यक्त करते हैं, बहिश्चित्ते एवं कल्पयति प्रभु इस प्रकार से प्रभु कल्पना करते हैं ठीक है। नियतान अनियतान मतलब क्या हो जाएगा, सृष्टि के भी एक क्रम है, क्या क्रम है सृष्टि के आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तन्मात्रा तन्मात्रा राजसिक अंश सात्विक अंश अलग करके तामसिक अंश पंचीकरण करके सृष्टि का एक ही है। और फिर क्या होता है कि अनियता कहीं पर कुछ आवश्यकता है तुरंत उसको वहाँ पर बना दें अथवा तुरंत उसको नाश कर दें। इस प्रकार से नियत अनियत कहीं मन ही मन कुछ कल्पना करके मन सोच करके वहाँ उसी को लेकर के बना दिया। और ये प्रभु कौन बनाते हैं, आत्मदेव बनाते हैं। पहले बोल कर कहे ना कि कल्पयति आत्मन आत्मन आत्मदेव सभी आत्मदेव शब्दों को यहाँ पे प्रभु शब्द के तरह कहा। प्रभु मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कोई नियामक नहीं है, जो मतलब किसी के द्वारा नियम्य नहीं है। यदि उसके पीछे नियामक होता तो नियामक के द्वारा वो नियम्य होता, परंतु प्रभु है मालिक है सबके से इसको कोई नियमन नहीं कर सकता। ये परान मतलब क्या हो जाएगा, दूसरी बात ये पर मतलब अलग भिन्न दिखते ना ऊपर है ये अपने ना है पर अपर मतलब पर अपर तुलना में अच्छा बुरा हिसाब से बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखने में प्रतीति कैसा होता है वो भिन्न रूप में बनाया, परंतु वास्तव में भिन्न रूप में नहीं बनाया। अपने स्वरूप से चिंतन करते हो अपने मन ही मन सब कल्पना करो अपने ही सबको बनाया, क्योंकि वहाँ पे देखो अधिष्ठान रूप में किसको दिखाया था विकरति आत्मना आत्मना आत्मनि आत्मदेव स्वमाया अपने में अधिष्ठान मरा जैसा मिट्टी जमीन के ऊपर इसको रख चक्र को रख करके घर आदि बनाते हैं। इसी प्रकार कहाँ पे बनाया ये बता तो अपने भी सबको रख करके बनाया अपने भी सबको रख करके बनाया। तो ये हो गया इसका अंतर एवं कल्पयति केवल किस प्रकार से कि अंतश्चित्ते व्यवस्थितान परान भावान नियतान सब भी करोति वहिश्चित्ते कोई अंदर चित्ते भी है कुछ बाहर भी होता है बोलता है इस प्रकार से बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे भाष्यकार क्या लिखा टीकाकार का सबसे पहले पहला लाइन बोला प्रकृताया कल्पनाया विवक्षितम क्रम उपनिषद इसको लेकर के विचार किया जा रहा था कि जगत कल्पित है उस कल्पना में भी क्रम की जो अभिष्ट क्रम है उसके यहाँ पे ग्रंथकार दिखाते हैं मतलब मन लोक कार्यकाल दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए नियतांश इति चकारात अनियतांश इति विवक्षते वहाँ पे नियतांश अनियतांश पर्टिकुलर सीक्वेंस अनियतम अपने आप ही कुछ मन मर्जी बनाते हैं क्योंकि ये जो देखिए क्या होता है कोई चीज पर भिन्नता क्या है ईश्वर सृष्टि में और कुम्हार सृष्टि में भिन्नता क्या है यदि अपने आप सोचें। कुम्हार जब कुछ घड़ा को बनाते हैं कोई घड़ा को देखा बाहर उस घड़ा के संस्कार अंतर गया और उसमें कुछ मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कुछ ये करके बना दिया छोटा बड़ा साइज में कुछ भी हो जाए, परंतु कुम्हार क्या होता है अपने संस्कार के द्वारा नियंत्रित होता है। कुम्हार अपने संस्कार के द्वारा नियंत्रित होता है परंतु प्रभु इसलिए प्रयोग किया ये किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं है अपने संस्कार तो उसके तो है नहीं शुद्ध आत्मा में कोई संस्कार नहीं है वो तो माइक है
इसीलिए उसका धारा नियंत्रित है। फर्स्ट एक की दूसरी बात क्या है, कुम्हार जो है क्या होता है कि वो अपना सृष्टि करके संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए वो और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। और यहाँ भी सब सृष्टि में देखिए जो मॉडिफिकेशन है वो साइंटिफिक मॉडिफिकेशन वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, ठीक है ईश्वर, परंतु उनका मूल सृष्टि में जो है उसको लेकर उसका संतोष नहीं हो जाता है कि यही हमारा कर्म इसी कर्म से हमको बना। इन दोनों को रास्ते को समझाने के लिए प्रभु शब्द आए। हम आप जो भी कुछ बनाते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मकान बनाया, फिर बनने के बाद सारे इसको इस जगह पर ये होता तो अच्छा होता, होता कि नहीं होता मन में, आपने कुछ व्यवहार करते हुए आपको दूसरे दिन के सर में लग रहा है यहाँ पे ऐसा होता तो अच्छा, यहाँ पे ऐसा होता ऐसा होता, परंतु ईश्वर सृष्टि में ये नहीं, इसलिए प्रभु शब्द के ये अभिप्राय है कि वो किसी के द्वारा नहीं, अपने संस्कार के द्वारा भी नियंत्रित नहीं है और अपनी वासनाओं के द्वारा भी नियंत्रित है। तो तभी जब अपनी कल्पना आपके जब पक्का हो जाएगा कि कल्पित ही है, इसलिए बोलते हैं नियतांश, और वहाँ पे नीचाकार आया हुआ है, ठीक है ना, वो देखो नियतान में क्या दिखाई दे रहा है, हाँ भगवान पे अनुस्वार भी दिखाई दे रहा है, विसर्ग भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको राम जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुरू से यदि हम आपसे पूछते हैं कि कहाँ से शुरू करेंगे इस रूप को सिद्ध करने के लिए, ठीक है वहाँ पे आपको बल बताना पड़ेगा कि एक मनुष्य होता है जहाँ पर अनुष्य का अभाव है वहाँ पे विसर्ग होता है, अनुनाशिक होता है अनुनाशिक, और उसके बाद अनुनाशिक जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे अनुष्य होता है, ठीक है, अनुष्य होने के बाद तब उसके बाद क्या आएगा नष्ट अच्छा भी अप्रशांत चौवर्ग, इसलिए पहले क्या हो जाएगा सब पहले होगा बाद में जो है विसर्ग का पहले सबसे वहाँ पर विसर्ग तो पहले अपदंत से हो जाएगा अनुसर भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमने बोला ना कि अनुनाशिक वाला जो है ना वो रूप नहीं दिखाई पा, वो रूप नहीं दिखाई, नियतांश बहिश्चित एवं कल्पय, ठीक है, यहाँ पे नियतांश और चकार कह रहे अनियतांश इति विवक्षते, दोनों को बोलना अभिप्राय चला गया। अब जब प्रतिपीक्षित क्रम प्रतिपत्ति अर्थम पीछति, है ना, प्रतिपीक्षित मतलब प्रतिपादन करने की इच्छा रखते हैं जिस क्रम, उसको प्रतिपत्ति अर्थम उसको बोध करने के लिए पूछता है, वहाँ पर पूछता है संकल्पयन केन प्रकारेण कल्पयति, मैं सृष्टि करूँगा ऐसा संकल्प किया या सृष्टि का एक मुहम बहुत श्रम प्रजा ये ईश्वर का बोल रहे हैं, ईश्वर का बोल रहे हैं, शुद्ध चेतन बलि का नहीं बोल रहे, अधर्म प्रक्रिया का अंतोपाति है, अधर्म प्रक्रिया की अंतोपाति है, क्योंकि देखिए उनके पास मन कैसे बनता है, मन के लिए उपादान कारण क्या है संकल्प पारमार्थिक संभव ही नहीं है वहाँ पे, परंतु उस तत्व को समझाने के लिए, दूसरी बात कह दी यहाँ पे संकल्प अन्नवादी को समझाने के लिए, दूसरे के लिए जो उस प्रकार से होते ईश्वर के लिए लाभ नहीं, इसको पर तो शंका नहीं कर सकते, ये अंधर उपलब्ध कि प्रतिपीक्षित क्रम मतलब प्रतिपादन करने की इच्छा है जिस क्रम का, उसकी बोध करने के लिए प्रतिपत्ति अर्थम उसको बोध करने के लिए पूछते हैं, पृच्छति क्या पूछते हैं संकल्पयन, वो प्रभु अथवा आत्मदेव वो संकल्प करते हुए केन प्रकारेण कल्पयति, किस प्रकार से कल्पना करता है वो, मनमर्जी कल्पना करता है अथवा कुछ क्रम भी है अथवा उसके पीछे कुछ सिद्धांत भी है, क्योंकि कोई ये हमको दिखाई देता है कोई व्यक्ति किस चीज़ को निर्माण करने से पहले वो जो है पहले मनमानी मन उसको बैठा,
मान लीजिए आप मन ही मन बैठा है, क्या बैठा है कि एक मकान बनाओ, पहले कुछ मकान देखा उसका रूफ में ऐसा ऐसा है, तो हमारे मन में पहले आया पर तो मकान जब बनाना पड़ेगा तो पहले आप छत नहीं बना सकते हैं, पहले आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ठीक है ना, इसलिए कुछ क्रम है, कुछ क्रम है, कल्पना ही तो है वहाँ, कल्पना है यहाँ, इसलिए बोलते हैं कि प्रतिपिक्षित क्रम प्रतिपत्ति अर्थम खिंचति, मन में कुछ भी आ जाए परंतु बाहर जगत में बनाने के लिए कुछ एक निर्दिष्ट क्रम है, बाकी मन में जो रहते हो अक्रम बना लेते हैं, कोई क्रम की आवश्यकता नहीं। अब भाष्य में देखिए बोलते हैं संकल्पयन केन प्रकार कल्पयति इति उच्यते, इस प्रकार संकल्प करके वो प्रभु ईश्वर किस प्रकार से कल्पना करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या आता है कि एक हम बहुत संप्रयाय संकल्प किया, क्या संकल्प किया, मैं अकेला हूँ, मैं अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त करूँ, एक ऐसे मन को किया, फिर क्या हुआ कि कैसे करूँ अभिव्यक्त, तब शांत को श्रुति बोलते हैं अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश नाम रूपे व करवाणी, पूर्व कल्प में कैसे सृष्टि थी उस सृष्टि है उनके मन में एक आ जाते हैं, और फिर जब इन जीव रूप को सहारा लेकर के अनेना जीव जैसा सामने दिखाई दे रहा है अनेना लेख अनेना अहम लिखान, ठीक है ना, इसी प्रकार इस जीव के द्वारा मंथम बना करके मैं सृष्टि करूँ अनेना जीव आत्मना, फिर क्या उसमें प्रवेश करें मतलब अपने चेतना तक अगर उसको चैतन्य करें तब मैं करूँगा, अपना खेल रचाऊंगा, इसी प्रकार मैंने, और फिर ये बृहदारण्यक श्रुति क्या बोलते हैं तदा स्वरूपम प्रतिचक्षणाय रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुव, बृहदारण्यक श्रुति बोलते हैं वो जो अपनी शक्ति अथवा तो माया में क्या शक्ति है क्या कर सकता है उसको देखने की इच्छा, ये माया शक्ति क्या हो सकती है, तदा स्वरूपम प्रतिचक्षणाय देखने की इच्छा से रूपम रूपम प्रतिरूपम, जितना 84 लाख जोड़ी उसमें जितना है सब रूप में अपने, इस प्रकार से सूर्यवाद उच्च संकल्प संकल्प मतलब संक्षेप में कहते हैं कि उच्चति। अब आगे देखिए टीकाकार बोल रहे हैं श्लोक अक्षर योजनया बुभुत्सित क्रमम प्रत्यायति उच्यते, श्लोक के अक्षर को साथ सहारा लेते हुए श्लोक के अक्षरों को सहारा योजना मतलब अन्वय करते हुए बुभुत्सित क्रम बुभुत्सित कथक बोधम इच्छा बुभुत्सा बोध करने की इच्छा को बोलते हैं बुभुत्सा है ना, तो उसको बोध कराने की इच्छा से बुभुत्सित क्रम जो बोध कराने की इच्छा जो क्रम है वो क्रम को प्रत्यय मतलब उसको प्रत्यय बोध उत्पन्न करने के लिए उच्चति इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं उच्चते इत्यादि ना। भाष्य में आ जाएगी देखिए भी करोति भी करते का अर्थ करते क्या विविध रूपेण विशेष रूपेण च करोति भी करोति भी पुषक है ना वहाँ पे कृत धातु करोति, और ये देखिए मतलब प्रेजेंट टेंस लट लकार में बोलते हैं ये भी करोत ऐसे नहीं बोल रहे प्रेजेंट टेंस बोल रहे मतलब अभी भी ऐसे कल्पना भी करो अभी ऐसे चल यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ है तो जहाँ पे वेस्ट जा रहे हैं जो हम बोलते वहाँ पे तो किसी के लिए उदय हो रहा है उनके लिए इसीलिए ये सब रिलेटिव है नित्य सामान्य रूप से इसको समझाने के लिए बोलते शब्द उपयोग इतना तो बोलते हैं यहाँ पे बी करोति बी कुशल का क्या अर्थ करेंगे विशेष भी विविध विविध रूपेण विशेष रूपेण च करोति सामान्य में सामान्य रूप में अंदर बैठा हुआ है सामान्य रूप में जिस प्रकार मान लीजिए एक घड़ा बोला हम घड़ा बोलने से आपको आपका मन में जो वृत्ति उठेगा वो विशेष घड़ा का उठेगा सामान्य घड़ा का उठेगा सामान्य क्योंकि सबका मन में अलग अलग एक भाव ठीक है ना तो पहले सामान्य परंतु यदि सामने कोई घड़ा देख के किसी बच्चा को सिखाना है तब क्या होता है घटत्व तो विशिष्ट मतलब जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति प्रयोग होता है जाति विशिष्ट व्यक्ति में एक बच्चा बचपन में जब आपका गाय को पुस्तक में पढ़ता है ए ए फॉर एप्पल बी बी फॉर बॉल सी सी फॉर काउ क्या कुछ भी हो वो केवल मतलब उसमें देखते हैं पुस्तक में देखते हैं और रास्ते में से कोई गाय जाती है तो कहते तो मम्मी मम्मी गाय क्या इस गाय को नहीं देखा हुआ ठीक है ना इसलिए जाति विशिष्ट गोत्र जाति विशिष्ट गाय में शक्ति प्रयोग होता है समझ में आता है उसको इसलिए किसी भी प्रकार की इस प्रकार घर शब्द बोला सामान्य में पहले बोध होता है
फिर जब विशेष को देखते हैं विशेष के साथ होता है। ये जो है यहाँ पे ना बी करो कि पहले अंदर जो रहता है वो सामान्य रहता है और बाहर जब आता है तो विशेष रूप से गिर जाता है। मैं घड़ा बनाऊंगा, कुमार ने सोचा सामान्य है, परंतु बाहर जैसे होता है ना, जैसे पूरा जैसा सोचा था पूरा ऐसा नहीं बन पाएगा, कुछ भिन्नता होगा उसमें, परंतु विशेष रूप से सामने आपको दिखेगा कोई विशेष। इसीलिए बी करोति, बी कर सामान्य रूप से मन में जो भाव बना था उसी को विशेष रूप में अभिव्यक्त करता है और विविध रूप में नचा बी करोति, मतलब अर्थ कर दिया नाना करोति, है ना, अनेक रूप में अभिव्यक्त करता है। परंतु अपरान लौकिकान भावान पदार्थान शरीरादीन अन्यांश अंतश्चित्ते वासना रूपेण व्यवस्थितान पदार्थान शब्दादीन अन्न है, एक शब्द मंत्री है शब्दहीन शब्दादी क्यों बोल रहे हैं, तंत्र मंत्र शब्द स्पर्श रूप से शुरू होता है ना, इसीलिए हमसे बोल रहे क्रम दिखाया गया है। क्या बोलते हैं, बी करोति नाना करोति अपरान, ये देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, क्या सूत्र लगे यहाँ आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है अपरान, एक ऊपर जो है एक आपका अनुनाशिक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, हाँ दो लियो, यहाँ पे आगे नौकार है आगे लौकार है, तो क्या हो जाएगा, तो वर्ग के शब्द आपको लौ में बदल जाएगा कोई भी, परंतु यहाँ पे आपका तो वर्ग का निजल है वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे जो है एक अनुनाशिक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। करोति नाना करोति अपरान, है ना, अपराध मतलब क्या हो गया कि नाना करोति मतलब अपराध मतलब अपने से कुछ मतलब घटे, जब ईश्वर नित्य है तो जगत में कोई भी वस्तु हिरण्यगर्भ नित्य नहीं होता, ठीक है ना, जो उत्पत्ति करे, जैसे कुमार घड़ा को बनाते हैं, कुमार जितना समय रहता है घड़ा उतना समय नहीं भी रह सकता, अपराण मतलब उससे कुछ निकृष्ट करके बनाते हैं। गौरव अपराण लौकिकान कैसे है, लौकिक लोग व्यवहार करने के लिए जो वस्तु होती है, लौकिकान लोक संबंधित लोक व्यवहार करने के, लोग किसको लेंगे, कितना लोग है हमारे पास, चतुर्दश लोक्यते भुज्यते इति लोकः अर्थात लौकिका चतुर्दश दुवर में जितना जीव है सब कुछ है वो भावान मतलब जो विद्यमान रूप में दिखाई पड़ते हैं, लौकिका समझ में हमको तो विद्यमान रूप में दिखाई पड़ते हैं, बोलता है इसी रूप में, इसी में हम कहना चाहते हैं कि तुमको दिखाई पड़ता है कि वो दिक्कत देखना है भी हमारे लिए मिथ्या तो सिद्ध हो जाएगा। भावान भी करोति नाना करोति परान अपरान लौकिकान जो लोग व्यवहार में आता है मतलब जो भेजन नगर उसे लेकर के लोग और उसमें रहने वाले लोग सब, है ना, ये भावान विद्यमान पदार्थान इसका व्यवहार होते हैं। देखिए हम पदार्थान पढ़ रहे हैं, शब्दाधीन है ना, यहाँ पे देखिए शुरू किया, कहाँ से शुरू करेगा, राइट फ्रॉम द शब्द तन्मात्र, राइट फ्रॉम शब्द तन्मात्र, पहले शब्द तन्मात्र मन में संकल्प किया और फिर उसको जो है आकाश भाव बोलने का वहाँ से यहाँ से कल्पना शुरू होता है, शब्द मात्रा से महाभूत बनता है, हाँ तन्मात्रा से महाभूत बनता है, और पंचीकृत पंच महाभूत को तन्मात्रा बोलते हैं, शब्द तन्मात्रा की मनी मन कल्पना किया, फिर उसके बाद उस शब्द तन्मात्रा से आपको श्रवणेन्द्रिय बनाया सात्विक अंश से और रजोगुण से आपका रागेन्द्रिय बनाया, वहाँ पे क्या है, अब जो आप एक एक इंद्रिय है ना, श्रवणेन्द्रिय त्वगेन्द्रिय दर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय, ये जो है पंच तन्मात्रा सात्विक अंश से बने ज्ञानेन्द्रिय है और पंच तन्मात्रा की राजसिक अंश थे बाघ पानी पाल विपस्त्र पाई अंश है कर्मेंद्रिय होता है और पंच तन्मात्रा के जो सात्विक अंश समष्टि सात्विक अंश अंतकरण और समष्टि राशि अंश से प्राण, ये क्रम है, इसलिए शास्त्र में शास्त्र से ही प्राप्त होता है ना, इसी प्रकार से परमात्मा ने कल्पना की, मतलब देखिए व्यवस्थित है मिथ्या में व्यवस्थित। मैं एक दिन मजा करके भूल रहे थे कि किसी बड़े आश्रम में यदि कोई अव्यवस्था होगा ना, उस अव्यवस्था भी व्यवस्थित हो अब व्यवस्था भी व्यवस्था, बाहरी लोग को समझ में नहीं आएगा, जनरेंद्र वाले को समझ में आएगा कि अरे ये ऐसे हमने प्लानिंग नहीं किया, बाहरी लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बोलते कि किसी बड़े आश्रम में बड़े बड़े समझ लेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि अब व्यवस्था भी व्यवस्थित होगा, ऐसे जो हमारे हम कहना कि यहाँ पर सृष्टि में जो है ना
पूरा मतलब मिथ्या है, मतलब खुद व्यवस्थित मिथ्या है। जैसे होते हैं भी करोति नाना करोति अपरा लौकिकान भावान पदार्थान सब द्वितीय भूवचन में ना बिल्कुल मतलब आत्मा में अपरण शब्द का अर्थ अपने से थोड़ा निकृष्ट करके बनाए। आप जिस प्रकार रज्जु के ऊपर सर्प उत्पन्न हुआ, अब सोचिए सर्प और रज्जु जो है समान सत्ता वाले नहीं है, सर्प प्रातिभाषिक सत्ता वाले, रज्जु व्यवहारिक सत्ता वाले। ठीक इसी प्रकार से जब इसके ऊपर हमने शरीर की कल्पना की, अरे तुम्हें तो ईश्वर और ईश्वर तुमसे अलग कुछ भी है देव। फिर बाद में सात कांड रामायण पर क्या पूछे कि सीता किसके बाप थे, इतना दिन से तो यही चल रहा है कि जो है ये ईश्वर और कोई नहीं है, तुम सकल प्रति आत्मनात्मन आत्मदेव समान है। अभी तो हाँ ठीक है, अभी थोड़ा धीरे धीरे समझ, मतलब इसका मिथ्यात्व निश्चय नहीं होना तब घबराहट होगी, इतना बड़ा सृष्टि मैं कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे इसका मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा तो कल्पना करने में क्या है, कुछ भी कल्पना कर सकता हूँ। कल मैं पढ़ रहा था कि जो अध्यास होता है उसके लिए पूर्व स्मृति होना चाहिए प्रभु को लेकर यही तो बोल रहे हैं। अक्रम से करते हैं कि अक्रम से करते हैं, अब क्या बोला कि अंतश्चित्त बहिश्चित्त बोलने का क्या अभिप्राय है। अंतश्चित्त मतलब पहले संस्कार रूप में आपका अंदर बैठा हुआ है, फिर बाहर अभिव्यक्त होना है। हमको अभी भी ये चीज दिख रहा है तो इसका मतलब हमने पहले इसको देखा है, तभी हमको इसमें ब्रह्म की जगह ये पुस्तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके संस्कार ऐसे बैठा हुआ है, इसलिए संस्कार को तो बदलने के लिए बोल रहे हैं, तभी इसको जाएंगे। नाम रूप ऐसा ही रहेगा, अभी केवल नाम रूपात्मक नाम रूप अर्थ क्रिया करिता को देख करके मन वही तक रूप जाने, परंतु अभ्यास करते करते क्या होता है कि नाम रूप और अर्थ क्रिया करिता रहते हुए भी हमें सच्चिदानंद दिखाई देगा। इस प्रकार कितना बार दृष्टांत बोला, एक सुवर्णविद उसके अलग अलग प्रकार के चार व्यक्ति अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट लेकर के आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी ऑर्नामेंट का जो है कि विशेष व्यक्ति का दिया हुआ, तो अपने मूल में कोई बोलता है मेरे घर का देवता है, कोई बोलता है मेरे पत्नी का दिया, कोई बोलता है मेरे शादी का दिया, वो सब सुवर्णविद उसका मूल्यांकन नहीं करता। सुवर्णविद क्या करते हैं, उसका अंदर कितना सोना है, बस इतना ही अभिप्राय, इतना ही अभिप्राय। भी करोति नाना करोति अपरान लौकिकान भावान पदार्थान, कौन कौन है शब्दाधीन है ना। देखिए अन्यांश्च अंतश्चित्त, पहले संस्कार से ही आता है। अब बोले संस्कार वस्तु नहीं है तो संस्कार कहाँ से आएगा। यहाँ पे बुद्धवादी के साथ हमारा भिन्नता है, बोलते आप यहाँ पे जाइए, बुद्धवादी बोलते हैं बिना वस्तु के सब संस्कार रहेगा, वेदांती बोलते नहीं नहीं बाहर वस्तु है मानो, परंतु प्राकृतिक मानो और इसी से संस्कार आता है। ये जन्मांतर की मान्यता नहीं रखा गया, ये एक एक प्रतीति मात्र है, ये क्लास आदि सब एक प्रतीति मात्र, इसमें पारमार्थिकता नहीं है, ये समझना बहुत कठिन पड़ता है, इससे बहुत कठिन पड़ता है। ये भी जो एक हमने मतलब माइक निद्रा में बैठ करके सपना देख रहा हूँ, ये जो है जागने के बाद ही पता लगेगा, जागने का बाद ही पता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अन्यांश अंतश्चित्त और जो अन्न जो भी कुछ चित्त के अंदर में वासना रूपेण व्यवस्थित, हम इसी प्रकार जगत को बनाते हैं वासना रूप में व्यवस्थित, वासना रूप में विद्यमान है उन सभी को क्या करते हैं, भी करोति प्रभु एवं नाना करोति, इस प्रकार से भिन्न भिन्न रूप में बना देते हैं। आगे और बोलते हैं अव्यक्तान नियतांश पृथ्वी अनियतांश कल्पना कालान बहिश्चित्त सन तथा अंतश्चित्त मन कथादि लक्षण एवं कल्प्य। देखिए क्या बोलते हैं, कुछ जो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, मन में क्या है बीज अवस्था में, तो अव्यक्त मतलब अनभिव्यक्त अवस्था, इसलिए बोलते हैं कि अव्यक्तान मतलब नियतांश, केवल अव्यक्त इतना ही नहीं है आरोप है एक निर्दिष्ट क्रम से नियतांश पृथ्व्यादि, पृथ्वी पे क्यों बोलते हैं पृथ्वी आदि जो वस्तु देखा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कुछ देर तक सम्मिलन थोड़ा देर तक प्रतीति होती है, एक नियत अनियतांश जो केवल मात्र कल्पना काल में रहते हैं विद्युत की चलते, और क्या है ये मेरे लिए हितकारक होगा अथवा ये काम क्रोध आदि ये सब थोड़ी मतलब जिस समय कल्पना किया उस समय ये रहता है, आत्मा के साथ इसका संबंध है। ये सब अंतश्चित कल्पना कालान केवल मात्र कल्पना काल नहीं रहता, और वही जो पहले अंदर में था वही जो है बहिश्चित्त संग
फिर वो बाहर चित्त में है, मतलब अंदर की वृत्ति इंद्रिय। स्वप्न काल में क्या होता है, स्वप्न काल में मन में पहले सब रहता है और फिर क्या होता है, कुछ वस्तु तो अंदर रह जाता है, कुछ वस्तु क्या होता है कि इंद्रियों के माध्यम से बाहर हमारे सामने प्रतीति होती है। जैसा अंदर है तो अंदर ही बाहर प्रतीति, यहाँ भी ऐसे ही इस प्रकार से होता है। बहिश्चित्त सन तथा अंतश्चित्त, उसी प्रकार अंदर मन के भी रहने वाले वस्तु। इस प्रकार मनोरथादि लक्षणान, मन के रथ के ऊपर चल करके जो भी कुछ हम सोच लेते हैं, ये सब अंदर बैठ कर के मैं यहाँ गया वहाँ गया, ये किया, कुछ किया नहीं, केवल कल्पना कर रहे हैं। लक्षण इति एवं कल्पयति इति इति, ऐसा इस वस्तुओं को इस प्रकार से, इस वस्तुओं को इस प्रकार से कल्पना करता है। कौन कल्पना करता है, कल्पना करता कौन है, प्रभु ईश्वर आत्मा। वही तो बोल रहा, मैं क्या करूँ, हास्य करते ही तो समझा रहा है, यहाँ पे हास्य करते ही बोल रहा है बार बार। सबसे पहले क्या बोला, प्रभु मंत्र, प्रभु मंत्र क्या है, जिसके ऊपर कोई नियामक नहीं है वो कौन है, ईश्वर। यहाँ तक तो मन मान लेता है, आत्मा करके ये दिखाता है, अरे ये तो तुम ही हो, तब तक घबरा जाता है, तभी घबरा जाता है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास दो चेतन नहीं है, चेतन तो एक ही है और वो व्यापक चेतन, वो अलग इसलिए दिखाई पड़ता है कि मानसिक शुद्धता अशुद्धता। ईश्वर किंतु ईश्वर मतलब वो समष्टि मन क्या होता है कि वासनाओं से नहीं, जब रहते हैं तब शुद्ध अवस्था है, वासना वाला होकर के हिरण गर्भ रूप में आ जाता है, सृष्टि करेगा। देखिए इसको कोई टीका करके हम बोलते हैं, ठीक है ना। श्लोक अक्षर योजना, श्लोक के अक्षरों को अन्वय करते हुए बुभुत्सितम क्रम बोध कराने की इच्छा है, जिस क्रम को प्रत्यायति उसको बोध उत्पन्न करते, उच्चते इत्यादि ना। वहाँ पे क्या बोलता है, वी करोति नाना करोति परान लौकिकान कामान भावान पदार्थान शब्दादि ये अन्यांश्च, ठीक है मिला वहाँ पे, अन्यांश्च उदिकान्यांश्च इति, उसको लिखते हैं शास्त्रियान इति, शास्त्र के तरह जिसको कहा गया है। शास्त्र में देखिए ये धर्माधर्म पुण्य पाप ये सब जब कल्पना करते हैं, वेरी डिफिकल्ट, यहाँ इस यहाँ तक मन में बैठना, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है, इससे सुख होगा, इससे दुख होगा, ये सब किस लेवल में है बताओ, सब अभी तक लेवल में, ये सारा कल्पना। मानव कार्यकाल पढ़ने से पहले अपने मन को पूरा पक्का कर लेना चाहिए, पूरा पक्का होना चाहिए, तब जाके ये बैठ जाता है, नहीं तो मुश्किल। अन्नांश शास्त्रीयान इति जापो, जितना शास्त्रीय भी कथन है, मतलब वेद वैदिक जात यज्ञ कर्म से उत्पन्न होने वाला फल पुण्य से सुख, ये सब जो है एक अविद्या की महिमा है, अविद्या की महिमा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, शास्त्रीयान इति जापो, अन्यांश मतलब वो एक हो गया लौकिक, एक हो गया वैदिक, सारे कल्पना है, सारे कल्पना है इति जापो। दो नंबर टिप्पणी बोलते हैं यहाँ पे, देखिए कि धर्म धर्म, फिर आगे क्या लिखा है, पढ़ते पढ़ते क्यों आप करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, कई जन्म में सर्ग गया है, उसका संस्कार बैठा हुआ है, उस पर प्रणाम संस्कार जब गए, हम थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा आगे दिखते हैं, लाइन में खड़े हैं सब, एक स्टेप आगे दिखते हैं कि थोड़ा वेदांत में रुचि उत्पन्न, वेदांत में रुचि उत्पन्न हो गया, इसलिए अभी आएगा विष्णु सरस्वती के जो अंतर है, मतलब षष्ठ अंतर कितना सुंदर समझे, भीतर को विचार आनंद अस्मिता जो अंतर है, जिसमें आपका सब संपूर्ण तो समान ही होते हैं, क्या होते हैं कि उस समय धीरे धीरे आपका मन बैठेगा तो उस स्थान की देवता को आपको आकर्षण देवता लोग आपको आकर्षण करेगा, प्रलोभन देंगे उस प्रलोभन में, और उस प्रलोभन से मन फिर बिखर, ये सत्य को दे रहा है, जब उस दुख सुन अपने बोलते हैं और उसको समस्या के स्थल में होता है, बिल्कुल पहला वाला फर्स्ट स्टेप में जो है उसके पास इतना प्रलोभन नहीं है, अगर फोर्थ स्टेप अगर थर्ड के पीछे चला गया वो परिपक्व हो गए, इस सेकेंड और थर्ड के बीच, सेकेंड और थर्ड के बीच में ये व्यक्ति अधिकतर हो जाता है, जो कुछ भाषण पढ़ेंगे ना।
बिल्कुल इसलिए यहाँ पे कि हमें इस समय इसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हम बिल्कुल लोअर लेवल में नहीं हैं, हम थोड़ा सा अपर लेवल में आने का कोशिश कर पूर्ण निश्चय भी नहीं हो पाया। इस अवस्था में निश्चय करना चाहिए, यदि ईश्वर कृपा हो और हमारा पकड़ मजबूत हो, इस बोलते हैं इस समय इस प्रकार के आप इस मार्ग में चलते चलते देवताओं लोग आपको प्रलोभित करेंगे। दो प्रकार की भावना होगा, क्या भावना होगा, एक तो प्रलोभित वस्तु का, दूसरा होगा हाँ मैंने कुछ कर लिया तभी देवता लोग हमको बुला रहे हैं। ये दोनों से हटना है, दोनों से हटना है। इसके साथ जब आप ये करेंगे तो मतलब दूरदर्शन जो अभी चल रहा है इसी में आएगा, दूरदर्शन तभी आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको जो है ये लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये होगा स्वाभाविक है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम उतना परिपक्व अवस्था में नहीं है, परंतु उसको पकड़ के रखिए, यदि भटक जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, वो जागतिक मुँह आ जाएगा। इसी को पकड़ के रखिए कि नहीं नहीं कुछ भी संसारिक अवस्था में नहीं उपयोगी नहीं, कुछ भी नहीं उपयोगी। इसीलिए आप क्या बोला कि धर्म धर्म सुमेरवादी नीति अर्थ मतलब शास्त्रीय जो भी बोला सुमेरवादी से क्या लेकर आदि सप्ति ब्रह्म लोग से लेकर के पाताल तक चतुर्थ सारा ये धर्म धर्म की फल है, धर्म अधर्म की फल है, ऊपर का धर्म फल नीचे अधर्म का फल, ठीक है ना। सारे अन्ना शास्त्रीय नीति चित्त मध्य वासना टीका मिला चित्त मध्य वासना रूपेण व्यवस्थिता अनभिव्यक्त नाम रूपत्न व्यवहार अयोग्यतम ठीक है ना। अभी हमारे ही मन में वासना रूप में विद्यमान है, वासना रूप में व्यवस्थितान कौन इन शास्त्रिया ने आगे बोला चित्त मध्य वासना रूप, उसके बाद यह है आपके पास विराम है वहाँ पे चित्त मध्य वासना रूपेण व्यवस्थितान विराम है ना, हाँ ठीक है। ये किसका अर्थ करता है, ये जो है ना अन्यान अन्यान शब्द बोल करके पहले बोला शास्त्रीयान इतिजागत, फिर जो क्या है कि समष्टि मन में चित्त मध्य हमारे जो संस्कार चित्त क्या होता है संस्कार के रिकॉर्ड के स्थान वो क्या होता है किस रूप में वासना रूप में बोले व्यवस्थित वासन व्यवस्थित तो उसको अभी अर्थ लिखते हैं अनभिव्यक्त अव्यक्त जो वासन रूप में अनभिव्यक्त नाम रूप तेन व्यवहार अयोग्यतम वो क्या है वहाँ तो अनभिव्यक्त नाम रूप है खरा तुम्हारे मन में कल्पना की अभी तक बना के बाहर नहीं लाया इसीलिए उसमें व्यवहार के विकल्प नहीं आया अपने अंदर अव्यक्त अवस्था विकल्प बना कल्पना करते बाहर लाते हैं फिर व्यवहार करते हैं सब अपने काम में क्या करते हैं सोया कुछ सोचा फिर जब मन में आया तो बाहर लाया बाहर व्यवहार करते इधर उधर घूम जाते फिर अंदर चले जाते इसी प्रकार से अनभिव्यक्त नाम रूप तेन व्यवहार और दुखोत्तम आहो उसको मन व्यक्ति क्या बोलते हैं कि अव्यक्तान वासना रूपेण व्यवस्था अव्यक्तान मतलब अभी जो है व्यवहार व्यवृत्त नहीं आया उसका अव्यक्त कल्पना कालन कुछ कल्पना काल तक रहते हैं नियतांश पृथ्वी अनियत कल्पना कालन ठीक है भाष्य में दिखाई दे रहा है कल्पना काल केवल मतलब कल्पना काल में ही रहता है उसके आगे पीछे नहीं रहता। जैसे मान लीजिए विद्युत विद्युत अधिक एक झलक चमका इसी प्रकार से कोई कामादि वृत्ति क्रोधादि वृत्ति अधिक समय नहीं रहता है ना, वो कुछ देर के लिए आता है तो हम अपने को बोलते हैं मैं कामी हूँ मैं को भी ठीक है अब निश्चय करो उसको हमारे साथ उसका संबंध नहीं है वो कुछ अब किस निमित्त को लेकर के थोड़ी देर के लिए अभी व्यक्त फिर चले और उसको हाँ उसको पकड़ के रखेंगे तो क्या हो जाएगा वो फिर आपके अंदर को संस्कार बना इसीलिए शुरू से उसको निगेट करते हैं। ये कल्पना कालान विद्युत आदि अस्थिरान जितना अस्थिर वस्तु होते हैं झंझावात आदि वो भी कल्पना किया भगवान अस्थि रूप है ना ये सब जो फिर भूकंप आदि आते हैं ये भी भगवान की कल्पना है ठीक है ना। ये सब चीज समुद्र में लहर ये भी कल्पना है ये सब जो है तब कुछ देर के लिए रहने वाला है कल्पना का बिंदु का अस्थिरा नीति अर्थ। फिर आगे बोलते हैं कि बहिश्चित्त ठीक है ना उसके कल्पना काला फिर आया बहिश्चित्त मतलब बहिर्मुख बाह्यान व्यवहार योग्यान पदार्थान कल्पना फिर वही तो बोला कि पहले अंदर ही देख रहा था ठीक है ना अंदर ही देख रहा था अपने आप बैठ करके अपने मन में अपने आप देख रहा फिर थोड़ा सा बाहर उठकर सामने देख तो मन जो में जो था वो सामने बाहर दिखाई देने लगा। हम इसलिए बोलते हैं कि बहिर्मुख बाह्यान व्यवहार योग्यान पदार्थान कल्पयति फिर आपको क्या क्या मनी मन सोच रहा था मैं यहाँ से थोड़ा केरल जाऊँगा वहाँ दर्शन करूँ जैसे मनी मन सोचा तो तुरंत बाहर आ गया कि चलो भाई यहाँ से जब ट्रेन होता है फ्लाइट बुक करते हैं बाहर ये इसी को बोलते हैं कि वही वो बाह्यान व्यवहार योग्यान प
पदार्थन व्यवहार के योग्य पदार्थों का खुद ही कल्पना करते हैं। ये देखिए व्यवहार यज्ञान पदार्थन और कल्प यज्ञ क्या देखा दोष है ये व्यवहार जब वो पदार्थ को बोल रहे हो और वो कल्पित वस्तु से व्यवहार होता है और कहाँ कल्पित वस्तु से व्यवहार कल्पित होता है। इसलिए समझ रहे थे शब्द इतना सुंदर प्रयोग किया कि कल्पित बाह्यान व्यवहार पहले बोला व्यवहार योग्य नहीं है जब अंदर था और जब बाहर रहा तो व्यवहार योग्य हो गया व्यवहार योग्य हो गया तो मतलब बारह व्यवहारिक हो गया बोला नहीं वो कल्पित ही है कल्पना से व्यवहार ये चीज और चीज प्रातिभाषिक वस्तु से भी व्यवहारिक सुख दुख होता है प्रातिभाषिक वस्तु से भी व्यवहारिक सुख दुख होते हैं हमारे अनुभव में इसलिए बोलते हैं यहाँ घबराने की कोई बात नहीं बहिश्चित्त वही दुख वही हान व्यवहार योग ज्ञान पदार्थ कल तीन नंबर टिप्पणी में देखने को बहिर्मुख ठीक है ना बहिर्मुख बहिर् अनात्म विषयेषु व्यक्तित्व बुद्धि रीति आते ठीक है ना आत्मा से भिन्न बहिर् मतलब का जगह अनात्म विषय से व्यक्तित्व बुद्धमा जो बुद्धि है ना यहाँ पे कभी भी मेरा ये बुद्धि नहीं है तो मैं हूँ मतलब यहाँ है ना यहाँ पे नहीं होता है यहाँ पे होता है बस केवल इतना ही मात्र भिन्न होता है वही जगह अंदर ये ऐसे होता है कि अनात्म वही मुख मतलब वही अनात्म विषय ये जो व्यक्तित्व बुद्धि रीति आते फिर आगे बोलते हैं अंतश्चित्तस्तु एक होता बहिश्चित्त दूसरा अंतश्चित्तस्तु तेभ्य व्यवृत्त बुद्धि मनोरथादि लक्षणान आत्मनि अवस्थितान हामान व्यवहार योग्यान कल्पयिता पुनर्बहिर्व्यवहार योग्यताय कल्पयति इति अर्थ अंतश्चित्तस्तु है ना वहाँ पे देखिए बहिर्बहि अंतश्चित्त क्या बोल रहे हैं भाष्य में देखिए पृथ्वीधीन अनियतान से कल्पना कारण बहिश्चित्त सन मतलब बाहर चित्त होते हुए तथा अंतश्चित्त मनोरथादि लक्षण ठीक है ना इसका अर्थ कर रहे टीका का अंतश्चित्त क्या हो जाएगा तेभ्य व्यवृत्त बुद्धि मनोरथादि लक्षण पहले बाहरी कोई वस्तु को देखा अच्छा नहीं लगा अच्छा नहीं लगा फिर मैं जिसे कोई व्यक्ति ने किसी घर को बनाया जो कपड़ा को बनाया अपने आप लगता रहे कि ऐसा नहीं होता तो फिर मन मन अंदर आ गया अंदर आकर के सोचते यहाँ पे ऐसा होगा फिर ऐसा होता है मनोकल्याण आ गया मनोरंजन आ गया इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि अंतश्चित्तेभ्यो व्यवृत्त बुद्धि मनोरथादि लक्षण मन के रथ ऊपर चलते हुए उसके द्वारा लक्षित हो जाए आत्मनि अव्यवस्थितान मतलब जो है जो आत्मनि अब वास्तविक आत्मा नहीं है हामान व्यवहार यज्ञ वो भाव वस्तु जो अभी व्यवहार की जो किया था कल्पयुक्त उसको कल्पना करके उनका अनात्मा में आत्मबुद्धि करके व्यवहार पुनः फिर क्या होता है वही व्यवहार योग्यता यही बाहरी व्यवहार को दोबारा करके बाहर भी उसका व्यवहार में योग्यता आ जाए उसको करने के लिए क्या करता है फिर कल्पना करते हैं इसी अर्थ के लिए बहिश्चित्त संतता अंतश्चित्त मनरथादि लक्षणा इतव कल्पयति अंतश्चित्तस्तु देखा भी तेभ्य व्यवृत्त बुद्धि जो पहले मन में संस्कार रूप में था उससे अलग हट करके मनोरथादि लक्षणान आत्मा अव्यवस्था जो मन की रत्तु बड़ी भारी वस्तु भी मानसिक है भारी वस्तु मानसिक है परंतु क्या अपने से भिन्न करके देखते हैं यहाँ तो इसमें बोलते हैं कि मनोरथादि लक्षणान आत्मनि अव्यवस्थितान भावान आत्मा से भिन्न करके देखते हैं भाव वस्तु व्यवहार योग्यान व्यवहार की जो कल्पयिता महाकाव्य पुनर् वही व्यवहार योग्यता ये फिर दोबारा मतलब क्या हो गया अंतश्चित्त कल्पना करके फिर देखा फिर उसको कुछ रिफाइन किया फिर बाहर योग्यता को ठीक से बनाने के लिए अंदर कल्पना करते हैं इति अर्थ यहाँ पे बोला ना कि कल्पयति इति एवं कल्पयति मतलब एतद् उक्तम भवति इससे ये कहना हो जाता है इससे क्या कहना हो जाता है एतद् उक्तम भवति क्या कहना चाहते हैं मंत्र का जो वो समझा रहे दृष्टांत के बारे में यथा लोके कुलालो वा तंतु वाय वहाँ घर बनाते हैं अथवा तो झोला कपड़ा घटम पटम व कार्यम चिकित्सु घट अथवा पट पे कार्य भी करने की इच्छा रखने लगा दुनिया चिकित्सा और चिकित्सु करने की इच्छा रखने लगा कुलाल का विशेषण है चिकित्सु लोग कुलालो तंतु वायुवा आतन वितन करने वाला घट चिकित्सु आदो व्यवहार योग्यम व्यक्ति बुद्ध आदि भाग्य पहले क्या है ये लोग के लिए उपयोगी होगा मार्केट में इसका डिमांड है इस प्रकार के कपड़ा बनाने का तो वो पहले मन में उसको बैठाते हैं इसलिए बोलते हैं कि आदो
क्या करते हैं कि आदो व्यवहार यज्ञान व्यक्ति व्यवहार के योग्य जो वस्तु है उसको मतलब वस्तु को बुद्धो आविर्भव्य बुद्धि में बैठा करके पश्चाताव बाद में उसी को ही बहिर्नारूप नाम रूपाभ्यंग संपादय फिर बाहर ला करके उसका नाम रूप से संपादन करने का मतलब संपन्नाम करो चंदम बच्चे मतलब वो नाम रूप से व्यवहार योग्य मतलब अर्थ क्रियाकारिता ला देते हैं उसे अर्थ क्रियाकारिता ला दे संपादय तथा तथैव अयम आदिकर्ता जैसे देखो एक छोटा दृष्टांत में समझा दिया एक तंतुमय हुआ अथवा एक कुम्हार हुआ वो पहले आपने देखा बाजार में अभी किस वस्तु का डिमांड है किस प्रकार की वस्तु चाहिए कहीं कुल्हड़ हो सकता है कहीं घड़ा हो सकता है कहीं तस्करी हो सकता है अथवा ग्लास हो सकता है इसी प्रकार कपड़े का भी उठा करके तदनुकूल अपने मन में बैठ करके यहाँ भी आकर के तदनुकूल मतलब कैसे बनाऊंगा वो सोच करके व्यवहार योग को बना देते हैं इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि आदो व्यवहार योग ज्ञान व्यक्ति बुद्धो आविर्भाव बुद्धि में बैठक पश्चात तामे उसी वस्तु को बहिर्नाम रूपाभ्या बाहर नाम रूप के माध्यम से संभाषण बंद कर देते हैं मतलब अर्थ क्रियाकारिता के योग कर देते हैं तथैव अयम आदिकर्ता ठीक इसी प्रकार से ये आदिकर्ता भी माया लक्षण सचित्ते माया के द्वारा लक्षित होता है जब अपना चित्त नाम रूपाभ्यम अव्यक्त रूप में स्थित नाम रूप से जो अव्यक्त रूप में स्थितान स्पष्ट स्रष्टव्य पदार्थान सृष्टि करने जो पदार्थों को प्रथम सृष्टिक्षित आकारेण अंतर्विभव इस मतलब ये सृष्टि करने की इच्छा है इस प्रकार से पहले अंदर भावना करके पश्चात वही बाद में बाहर ला करके सर्व प्रतिपत्ति साधन रूप करता है कुछ सब पहले केवल उसका मन में बैठा हुआ अभी क्या सभी को दिखाई देते हैं सर्व प्रतिपत्ति साधन रूप में न संपादयति इति कल्पनाया क्रम अधिपति इस प्रकार से कल्पना में क्रम को मोड़ कहा जाता है कल्पनाया क्रम अधिपति कल्पना के क्रम में मोड़ अधिकति अधिकम मतलब इस पंक्ति को मैं कल्पित कर दिया क्योंकि लास्ट दिन का वो नहीं हुआ था ना आज हमको सेकेंड थर्ड को होना था क्योंकि हमारा छुट्टी का दिन आज था कल होना था क्या होगा लास्ट वन यत्पादमस्ति